बेकिंग सोडा का घरेलू उपचार कई लोग करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन जहर के समान है। इसे नियमित रूप से लेने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। कम मात्रा में बेकिंग सोडा पीना इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि यह बड़े लोगों में डाइजेशन का काम करता है। हाँ, बड़ी मात्रा में सोडा पीना ज़रूर खतरनाक है। लंबे समय तक इसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बेकिंग सोडा से जुड़ी जानकारी कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इंटेस्टिनल रिसर्च से मिली है। बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है जो पेट के एसिड को बेअसर करता है। लोग इसका इस्तेमाल बहुत तरह से करते हैं। कई तरह के व्यंजन में खास तौर से बेकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे अपच के लिए भी पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में बेकिंग सोडा पीना कितना खतरनाक है, ये जानकारी हम आज आपको देंगे। ज्यादा मात्रा में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना जहरीला साबित हो सकता है। ऐसा इसमें मौजूदा सोडियम सामग्री के कारण है। दरअसल जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट लेता है, तो शरीर पाचन तंत्र में पानी खींचकर नमक के संतुलन को ठीक करने की कोशिश करता है। इससे उल्टी और दस्त हो जाते हैं। बेकिंग सोडा आपके दिल के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसमें ज़्यादा मात्रा में मौजूद सोडियम हार्ट पर अटैक कर सकता है। 2016 में हुई एक केस स्टडी के अनुसार बेकिंग सोडा की कुछ ओवरडोजिंग की वजह से कुछ व्यक्तियों के दिल की धड़कन रुक गई थी। इसके ओवरडोज के कारण कार्डियक अटैक के भी कई मामले सामने आए हैं। यदि छोटे बच्चे या शिशु इसका ज़्यादा सेवन कर ले तो ये उनके लिए जहर का काम करता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लेने से पेट फट सकता है। जब बेकिंग सोडा एसिड के साथ मिक्स होता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार में बहुत अधिक मात्रा में बेकिंग सोडा का सेवन करे तो उसका पेट फट सकता है। बेकिंग सोडा कम मात्रा में पीने से आपको डाइजेशन या हार्ट बर्न से राहत मिलती है। एथलेटिक ट्रेनिंग के दौरान मांसपेशियों की थकान को कम करने के लिए भी फायदेमंद है। 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट लेने से एथलीट अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर भी लोगों को डॉक्टर से सलाह लिए बिना फिटनेस के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए। डाइजेशन या हार्ट बर्न के राहत के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एक अच्छा घरेलू नुस्खा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहना सुरक्षित नहीं है।